हेलो मेरे डियर इंजीनियर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे खासे एवं स्वस्थ होंगे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है निखिल और मैं आज आप सभी लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट के सेकेंड टाइप्स के बारे में, जिसका नाम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोलर को हम लोग डिफिनेशन के माध्यम से जानेंगे, फिर हम लोग ग्राफ के माध्यम से जानेंगे, फिर हम लोग पोलर का एक ड्राइंग लेंगे और उसको ऑटो कैड में करेंगे। तो मैं आज आप लोगों को दिखा देता हूं कि पोलर का ड्राइंग कैसा होने वाला है, तो आपके डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा होगा। तो आज हम लोग इस फिगर को ड्रॉ करेंगे ऑटो कैड में। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज आप अगर वीडियो को स्किप करते हो तो आई थिंक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस TDP चैनल में। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कार्टेशियन के रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन के सेक्शन पे लिंक दिख रहा होगा, आप सिंपली जाओ और वहां से देखो, क्योंकि मैंने उस पर फुल डिटेल में बताया है। तो आप वीडियो को जरूर जाके देखो। और साथ ही साथ मैं बता दूं, तो कोई भी पर्सन हमारे इस TDP चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को भी दबाना मत भूलना, ताकि आपको नई टेक्निकल से रिलेटेड सभी वीडियो की अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। और मैं और एक और चीज़ मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को कम्प्लीट देखना। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो गाइस, वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप TDP चैनल के व्हाट्सअप नंबर पे भी कनेक्ट हो सकते हो। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट से रिलेटेड मैंने जितने भी वीडियो बताए हैं उस पे मैं आप लोगों को कुछ ड्राइंग दूंगा। वो ड्राइंग को आप लोगों को क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और उसको अपने ऑटो कैड में, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया है, तो उसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को ड्राइंग देता हूँ। तो फर्स्ट ड्राइंग आप लोगों को डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा होगा, तो मैं इसके बारे में बता दूं, तो ये मेरा जो ड्राइंग है ये कार्टेशियन का एब्सोल्यूट का ड्राइंग है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। फिर हम लोग सेकंड ड्राइंग की तरफ चलते हैं, तो सेकंड ड्राइंग आप लोगों को शो हो रहा होगा। तो ये ड्राइंग जो है हम लोगों का कार्टेशियन का रिलेटिव पे है, तो ये भी आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो सबका स्क्रीनशॉट लेना है आपको, अपने ऑटो कैड में करना है। फिर हम लोग थर्ड ड्राइंग की तरफ चलते हैं, तो ये आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये मेरा पोलर का रिलेटिव है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, सभी का ड्राइंग जो है आपको अपने ऑटो कैड में स्टेप बाय स्टेप करना है और उसको अपने मोबाइल से पिक लेना है और उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड कर देना है, क्योंकि मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि कितने लोग मेरे वीडियो को रिस्पॉन्स लेते हैं। सो गाइस, वीडियो को लंबा ना करते हुए चलते हैं हम लोग अपने ऑटो कैड की दुनिया में। स्वागत है आप सभी लोगों का ऑटो कैड की दुनिया में। सो गाइस, अब तक हम लोगों ने जाना कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। कोऑर्डिनेट सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन थे? तो वो मेरा फर्स्ट टाइप था मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड टाइप था मेरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर कार्टेशियन पे हम लोगों ने एक ग्राफ लिया था और ग्राफ के माध्यम से जाना था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो कार्टेशियन के सिंटेक्स जो होते हैं XYZ थे हम लोगों के, जैसा कि आप लोगों को पता था कि ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट और नीचे की तरफ जेड कोऑर्डिनेट, ये चीज़ अच्छे से आप लोगों को पता था। फिर ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट था, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट था, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट था, ठीक है। और इस पे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट लेके अच्छे से आप लोगों को बताया था। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम लोगों ने कार्टेशियन के दो टाइप्स के बारे में जाना था। फर्स्ट टाइप था मेरा एब्सोल्यूट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और सेकंड टाइप था मेरा रिलेटिव कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एब्सोल्यूट के बारे में हम लोगों ने जाना कि जितने भी कोऑर्डिनेट पे पॉइंट होंगे वो किसके रिस्पेक्ट में होंगे, तो वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होंगे। हम लोगों ने इस पे भी एक ग्राफ लिया था, ग्राफ के माध्यम से जाना था कि कैसे होते हैं एब्सोल्यूट में, और हम लोगों ने एक फिगर भी ड्रॉ किया था ऑटो कैड में। फिर हम लोगों ने रिलेटिव के बारे में जाना था, तो इस रिलेटिव के बारे में क्या जाना था, तो जितने भी कोऑर्डिनेट पे पॉइंट होते वो किसके रिस्पेक्ट में थे, तो वो प्रीवियस पॉइंट के रिस्पेक्ट में थे। तो हम लोगों ने एक उस पर ग्राफ लिया था, ग्राफ के माध्यम से भी जाना था कि तो रिलेटिव क्या है। तो इसमें हम लोग दो कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस निकालते थे, तो वो कैसे निकालते थे, तो आगे वाले कोऑर्डिनेट से पीछे वाले कोऑर्डिनेट को माइनस कर देते थे, तो उसका बीच का डिस्टेंस निकल जाता था। तो ये हम लोगों ने अच्छे से जाना था। अगर आपने इन सभी को अच्छे से नहीं जाना है तो इस पे वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, प्लेलिस्ट में जाओ और चेक करो और सभी पे वीडियो बना हुआ है, आप वहां से देख लेना।
सो गाइस आज हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के सेकंड टाइप्स के बारे में, जिसका नाम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो सिंटेक्स होता है वो डिस्टेंस और एंगल, और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं तो ये एंगल का साइन है, ठीक है, ये बीच वाला जो दिख रहा है ये एंगल का साइन है। तो वेयर डी से डिस्टेंस हो गया और ए से एंगल हो गया। फिर हम चलिए हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो गाइस हम लोग अब ग्राफ के माध्यम से जानते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जैसे मैंने आपको बताया कि सिंटेक्स जो होगा वो डिस्टेंस और एंगल होगा, बीच वाला जो है एंगल का साइन है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट। पूरा बड़ा सा फिगर बनाने का जरूरत मैंने नहीं समझाया, यहाँ पे आप लोगों को सिंपली समझाने का कोशिश करना। तो ये मेरा जो होता है ये ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन से कोई भी पॉइंट पी का डिस्टेंस जो होगा वो मेरा डी वन, यही मेरा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये ओरिजिन से कितना एंगल पे उठा वही मेरा एंगल यहाँ पे शो होगा। तो डिस्टेंस और एंगल इसलिए हम लोग लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आया होगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज का वीडियो जो होने वाला है वो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ही ईजी है और ग्राफ के माध्यम से भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया कि ओरिजिन से जो भी उठेगा एक पॉइंट पे वो पॉइंट का डिस्टेंस और कितना एंगल पे उठेगा वही। तो डिस्टेंस और एंगल ले लेते हैं इसमें, बस इतना जान लो कि डिस्टेंस और एंगल ले लेते हैं, बस यही हो गया मेरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो गाइस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे है पोलर के टाइप्स के बारे में। तो पोलर का दो टाइप्स होते हैं, इसमें भी एब्सोल्यूट और रिलेटिव। जिस तरह कार्टेशियन के दो टाइप्स थे एब्सोल्यूट और रिलेटिव, उसी तरह पोलर के भी दो टाइप्स होते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो गाइस मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ। तो पोलर में ओनली हम लोग रिलेटिव के बारे में स्टडी करते हैं, एब्सोल्यूट के बारे में अभी तक ऑटोकैड ने कोई डिजाइन नहीं किया है, उस पर ना ड्रॉइंग ड्रॉ किया है और ना ही अभी तक इस पर कोई फॉर्मेट आया है। तो इसलिए पोलर में एब्सोल्यूट को हम लोग स्टडी नहीं करते हैं, तो पोलर में हम लोग ओनली रिलेटिव के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए हम लोग ग्राफ के माध्यम से जानते हैं पोलर रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो मैं आप लोगों को एक सिंपल फंडा बताना चाहता हूँ। तो रिलेटिव जब शब्द आ जाते हैं, चाहे वो मेरा कार्टेशियन में आए चाहे वो मेरा पोलर में आए, तो उसका सिंटेक्स जो होगा ऑलवेज एट द रेट होगा। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि अगर रिलेटिव का ड्राइंग आता है तो उसमें हमेशा आप लोगों को एट द रेट लेके ही न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप करना होगा, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंटेक्स मेरा एट द रेट होगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट। इस फिगर में मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया एफ पॉइंट, और यहाँ पे मैंने एक क्यू पॉइंट लिया। तो एफ से क्यू का डिस्टेंस, ये मेरा डिस्टेंस हो गया, ये जो एफ पॉइंट जो हो गया ये मेरा ओरिजिन हो गया, ठीक है। और एफ पॉइंट से कितना एंगल पे उठा यही मेरा एंगल हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा क्यू पॉइंट है, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मेरा पी पॉइंट है, तो ये मेरा पी पॉइंट हो गया। तो क्यू से पी का ये डिस्टेंस हो गया, और एंगल जो होगा ये फिर जो ओरिजिन हो जाएगा ये क्यू पॉइंट हो जाएगा। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वही मेरा ओरिजिन होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्यू पॉइंट हो गया। फिर ओरिजिन से मेरा एंगल पता करना है, तो यहाँ से ये जितना एंगल जाएगा वही मेरा एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एट द रेट डी वन डिस्टेंस हो गया, और ये जो साइन है ये एंगल का साइन है, तो एंगल ए वन। तो आप लोगों को अच्छे से पता हो गया। फिर हम लोग फिर पी पॉइंट से मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेंट में जा सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये। तो पी पॉइंट से फिर हम लोगों को ये क्यू पॉइंट पे जाना है। पी पॉइंट से क्यू पॉइंट का ये मेरा डिस्टेंस हो गया। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि सिंटेक्स मेरा एट द रेट डी थ्री एंगल ए थ्री। तो इसमें बस इतना सिंपली याद रखो कि इसमें डिस्टेंस और एंगल लेते हैं, बस इतना आप लोग याद रखो। आप लोग इतने समझदार हो, समझ जाओगे। तो ये था हम लोगों का पोलर रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर का एब्सोल्यूट नहीं होता, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया। सो गाइस आई होप आप लोगों को पोलर रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ग्राफ के माध्यम से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो हम लोग एक फिगर लेते हैं और उसको ऑटोकैड में हमेशा की तरह करते हैं। और गाइस मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इंट्रो में फिगर दिया गया है आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, वो आप लोग घर पे जरूर करो, क्योंकि आप लोग वो प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन सा फिगर कार्टेशियन का है, कौन सा फिगर पोलर का है। तो आप लोगों को कंप्लीट वो जो भी इंट्रो में फिगर दिया गया है वो लोग को घर पे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ऑटोकैड में
करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को डिस्प्ले के ऊपर एक फिगर शो हो रहा होगा, तो ये फिगर इससे पीछे वाली जो ड्राइंग आई थी उस फिगर से आप लोगों को थोड़ा सा मैच हो रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं, तो वो फिगर का स्टेप कुछ अलग था, इस फिगर का स्टेप अलग था। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर आप लोगों को प्रोसीडर दिख रहा है, तो प्रोसीडर को पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो फर्स्ट प्रोसीडर मेरा है ओपन ऑटो कैड ए ओपन ए न्यू ड्राइंग। तो ये आप लोग को अच्छे से पता होगा, इसको समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब हम लोग सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड स्टेप पे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, तो हमेशा की तरह फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाएंगे, फिर वहाँ पे सेटिंग कर लेंगे कार्टिशियन का। जिस तरह हम लोगों ने एब्सोल्यूट और रिलेटिव किया था, उसी तरह पोलर का भी एब्सोल्यूट और रिलेटिव कर लेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि पोलर का एब्सोल्यूट नहीं बनता है, तो ओनली रिलेटिव बनता है। तो चलिए हम लोग ड्राफ्टिंग सेटिंग में चलते हैं। तो उसका जो कमांड है वो ड्राफ्टिंग सेटिंग है, और उसका शॉर्टकट की आप लोगों को पता होगा कि DS। तो आपको कीबोर्ड का सिंपली टाइप करना है DS। तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप कर देता हूँ DS। DS टाइप करता हूँ और इसमें एंटर करने के लिए स्पेस या एंटर का यूज होता है, तो आपको प्रेस कर देना है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, फिर हम लोग इसमें सेटिंग में जाएंगे। फिर सेटिंग में अब आप लोगों को ऊपर दिख रहा होगा पोलर फॉर्मेट, कार्टेशियन हम लोगों ने जान लिया था। फिर पोलर पे क्लिक करेंगे, और हम लोग मैंने आपको बताया है कि पोलर में हमेशा रिलेटिव में ही फिगर ड्रॉ होता है, तो ये रिलेटिव है ऑलरेडी। तो यहाँ पे ओके करेंगे, फिर यहाँ पे ओके करेंगे, और ये मेरा सेट हो गया, पोलर का रिलेटिव फॉर्मेट सेट हो गया। फिर हम लोग सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड स्टेप मेरा बोल रहा है टाइप एल कमांड। तो एल का मतलब तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि एल का मतलब लाइन होता है, तो कमांड लाइन है, तो शॉर्टकट की क्या होता है एल। तो आपको कीबोर्ड का एल प्रेस कर देना है, एल प्रेस करना है, एंटर स्पेस यूज कर लेना है। तो मैं लाइन कमांड में एंटर हो चुका हूँ। फिर क्या बोला जा रहा है, फिर थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है, तो ड्राइंग एरिया मतलब कि जितने भी फर्स्ट पॉइंट होंगे फिर क्या होगा, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि 0.0 यहाँ पे टाइप कर देना है। तो 0.0 यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो जो भी चीज़ मेरा उठ के आएगा वो मेरा ओरिजिन से उठ के आएगा। अभी आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं ऊपर पेन कमांड से ड्रैग करके ऊपर ले आता हूँ। तो गाइस अब आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा कि मेरा लाइन जो है वो मेरा ओरिजिन से उल्टा है, ठीक है। फिर हम लोगों को लाइन स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो क्या होगा, तो कमांड जो है वो ऑर्थो है, तो शॉर्टकट की क्या है, तो एफेक्ट, तो आपको कीबोर्ड का प्रेस करना है एफेक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो लाइन मेरा एकदम स्ट्रेट हो गया। फिर हम लोग फोर्थ स्टेप की तरफ बैठते हैं। तो फोर्थ स्टेप बोला जा रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट इन पोलर मेथड। अब देखो इसमें भी बोल दिया पोलर मेथड, ठीक है, पोलर मेथड है ये मेरा। तो लाइक क्या करना है, एट द रेट लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट द रेट लेंगे, तो एट द रेट लेने के लिए मैंने क्या बोला था, शिफ्ट और 2 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मेरा एट द रेट आ जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा एट द रेट आ चुका है। फिर हम लोगों को बोला है न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप करो, तो कितना न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप करना है, तो 500। तो 500 यहाँ पे टाइप करते हैं, तो यहाँ पे 500 टाइप कर लिए। फिर हम लोगों को बोला जा रहा है एंगल लेने के लिए। तो एंगल कैसे लेंगे, आप लोगों को पता है राइट साइड में जो शिफ्ट होते हैं उसमें एक एंगल का साइन होता है, ग्रेटर और स्मॉलर दोनों का साइन है। तो आप लोगों को कौन सा एंगल लेना है, स्मॉलर वाले एंगल लेना है। तो स्मॉलर वाला एंगल लेने के लिए हम लोग को क्या करना है, शिफ्ट और स्मॉलर एंगल को प्रेस कर देंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही लेंगे तो वो मेरा लॉक हो गया और एंगल पूछ रहा है। तो एंगल कितना लेने के लिए बोल रहा है, तो 135। तो यहाँ पे 135 टाइप करेंगे, ठीक है, और इंटर या स्पेस यूज करेंगे। तो देखना अभी फिगर मेरा किस टाइप का, देखो यहाँ पे फिगर किस टाइप का ड्रॉ हुआ, लेफ्ट साइड से देखना, अब जो फिगर उठ रहा है लेफ्ट साइड से उठ रहा है। फिर हम लोग फिफ्थ स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो स्पेसिफाई दी नेक्स्ट पॉइंट एट दी रेट 500 एंगल 45। तो आपको कितना लेना है, 500 एंगल 45 लेना है। फिर हम लोग एट दी रेट लेंगे, तो शिफ्ट 2 को प्रेस करेंगे, एट दी रेट ले लिए। फिर हम लोग को 500 लेना है, तो 500 यहाँ पे ले लेते हैं। फिर एंगल लेना है, तो शिफ्ट और स्मॉलर एंगल लेंगे। एंगल कितना है, तो एंगल है मेरा 45। तो 45 यहाँ पे टाइप करेंगे और इंटर या स्पेस यूज कर लेंगे। तो देख सकते हो उसी तरह मेरा लेफ्ट साइड से फिगर ड्रॉ हो रहा है। आई होप आप लोगों को इंजॉय फील हो रहा होगा। तो ऐसा ही ड्रॉ करो यार, मजा आएगा। अभी तो ये कुछ नहीं है, ये छोटा मोटा फिगर है। जब प्लान 2D एलिवेशन 3D एलिवेशन जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो उस समय तो इतना मजा आएगा ना, क्या बोलूं। एंटरटेनमेंट की दुनिया है ऑटोकैड, इससे भी अच्छा है रैबिट, और इससे भी अच्छा उससे भी अच्छा 3D, मतलब सब अच्छे है यार। मैं तो, और लेकिन मैं आप लोग को बताऊँ, मैं अपना राज बताता हूँ, तो ऑटो कैड से अच्छा मुझे आज तक ना रैबिट लगा ना 3D मैक्स लगा। बट इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो देते हैं, मतलब उनमें ज़्यादा कमांड नहीं, उसमें सारा कमांड दिया रहता है, ठीक है, बस इतना जान लो।
चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा सिक्स स्टेप क्या बोला जा रहा है, तो स्पेसिफाई दी नेक्स्ट पॉइंट एट द रेट 500 एंगल 135। तो फिर आप लोगों को एट द रेट लेना है, तो शिफ्ट 2 को प्रेस करेंगे, एट द रेट ले लिए। फिर हम लोगों को कितना लेना है, तो 500 लेना है। फिर 500 यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। फिर एंगल लेने के लिए शिफ्ट और स्मॉलर एंगल का साइन ले लेंगे। यहाँ पे देखना, जब भी आप लोग एंगल लोगे यहाँ पे लॉक हो जाएगा, फिर आपसे एंगल पूछेगा, तो एंगल कितना लेना है इसमें। फिर हम लोगों को एंगल लेना है 135, तो यहाँ पे 135 टाइप कर लेते हैं और इंटर या स्पेस यूज कर लेते हैं। फिर देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड से हम जो फिगर है उसी तरह का फिगर ड्रॉ हो रहा है। फिर हम लोगों को, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप सेवेंथ स्टेप क्या बोल रहा है, तो स्पेसिफाई दी नेक्स्ट पॉइंट एट द रेट 500 एंगल 45। फिर हम लोगों को लेना है एट द रेट, तो शिफ्ट और 2 को प्रेस करेंगे, एट द रेट ले लिए। फिर 500 टाइप करेंगे यहाँ पे, 500 टाइप किए, एंगल लेना है तो शिफ्ट और स्मॉलर एंगल का साइन लेंगे। फिर हम लोगों को कितना एंगल लेना है, तो 45 लेना है, तो 45 यहाँ पे टाइप करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि उसी तरफ फिगर ड्रॉ हो रहा है जिस तरफ फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो एट्थ स्टेप हम लोगों का बोला जा रहा है, स्पेसिफाई दी नेक्स्ट पॉइंट एट द रेट 500 एंगल -45। अब देखो यहाँ पे एंगल माइनस में ले लिया, तो फिर हम लोगों को एट द रेट लेना है, तो शिफ्ट 2 को प्रेस करेंगे, एंगल ले लिए। 500 यहाँ पे लेना है, तो 500 यहाँ पे टाइप करेंगे, एंगल लेने के लिए शिफ्ट और स्मॉलर एंगल का साइन ले लेंगे, ठीक है। और फिर हम लोगों को एंगल लेना है, तो इसमें एंगल -45 लेना है, तो फिर माइनस का साइन यहाँ पे ले लेंगे और 45 यहाँ पे टाइप करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो देख सकते हो उसी तरह ड्रॉ हो रहा है जिस तरह हम लोगों का फिगर में दिख रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है हम लोगों का, नाइन्थ स्टेप है, वो है स्पेसिफाई दी नेक्स्ट पॉइंट एट द रेट 500 एंगल 45। तो फिर आप लोगों को एट द रेट लेना है, तो शिफ्ट 2 को प्रेस करेंगे, एट द रेट ले लिए। 500 लेना है, तो 500 यहाँ पे टाइप करेंगे, एंगल लेंगे तो एंगल शिफ्ट और स्मॉलर एंगल का साइन लेंगे। एंगल जब भी लेंगे तो लॉक हो जाएगा। फिर हम लोगों को कितना लेना है, तो 45 लेना है, तो 45 यहाँ पे टाइप करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो उसी तरह ड्रॉ हो रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का है 10th स्टेप, स्पेसिफाई दी नेक्स्ट पॉइंट 500 एंगल फिर -45। तो फिर हम लोगों को एट द रेट लेना है, तो शिफ्ट 2 को प्रेस करेंगे, 500 यहाँ पे टाइप करेंगे और एंगल लेने के लिए शिफ्ट और एंगल स्मॉलर एंगल का साइन लेंगे। और कितना लेना है, तो -45, तो -45 लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो देख सकते हो उसी तरह ड्रॉ हो रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो 11th स्टेप है हम लोगों का, स्पेसिफाई दी नेक्स्ट पॉइंट एट द रेट 500 एंगल 225। तो चलिए लेते हैं। तो फिर हम लोगों को एट द रेट लेना है, तो शिफ्ट 2 को प्रेस करेंगे, एट द रेट ले लिए। फिर 500 यहाँ पे लेंगे, एंगल लेने के लिए शिफ्ट और स्मॉलर एंगल का साइन लेंगे। फिर हम लोगों को कितना लेना है, तो 225, तो 225 यहाँ पे लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो देख सकते हो उसी तरह ड्रॉ हो रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का 12th स्टेप है। तो 12th स्टेप हम लोगों का बोला जा रहा है, स्पेसिफाई दी नेक्स्ट पॉइंट एट द रेट 500 एंगल -45। तो फिर हम लोग टाइप करते हैं, शिफ्ट 2 को प्रेस करेंगे, एट द रेट ले लिए, 500 यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर हम लोग एंगल लेंगे, तो शिफ्ट और स्मॉलर एंगल का साइन लेंगे। फिर हम लोगों को कितना लेना है एंगल, -45, तो -45 यहाँ पे टाइप करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो देख सकते हो उसी तरह ड्रॉ हो रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, 13th स्टेप। तो 13th स्टेप हम लोगों का बोला जा रहा है, स्पेसिफाई दी नेक्स्ट पॉइंट एट द रेट 500 एंगल 225 फिर लेना है। तो फिर क्या करेंगे, एट द रेट लेने के लिए शिफ्ट 2 को प्रेस करेंगे, 500 यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर हम लोग एंगल लेने के लिए शिफ्ट और स्मॉलर एंगल का साइन लेंगे। फिर एंगल कितना है, तो 225, तो यहाँ पे 225 लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो देख सकते हो उसी तरह ड्रॉ हो रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मेरा 14th स्टेप है। तो 14th स्टेप क्या बोल रहा है, तो स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट एट द रेट 500 एंगल 135। तो फिर से आपको एट द रेट लेना है, तो शिफ्ट 2 को प्रेस करेंगे, 500 यहाँ पे टाइप करेंगे, एंगल लेंगे, एंगल लेने के लिए शिफ्ट और स्मॉलर एंगल का साइन लेंगे। फिर हम लोगों को कितना लेना है, तो 135, तो 135 यहाँ पे टाइप करना, 135 टाइप किए और इंटर प्रेस कर दिया। तो देख सकते हो उसी तरह ड्रॉ हो रहा है जिस तरह ड्रॉइंग आप लोगों को दिख रहा होगा।
फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट स्टेप हम लोगों का 15th स्टेप है। 15th स्टेप क्या बोला जा रहा है, तो सिलेक्ट दी क्लोज पॉइंट, सिलेक्ट दी क्लोज ऑप्शन। तो क्लोज ऑप्शन क्या है मेरा, तो ये आप लोगों को जो पॉइंट दिख रहा है, तो माउस से हेल्प ले यहाँ पे ले जाएंगे और इस पॉइंट पे लेफ्ट क्लिक करके मिला देंगे। तो देख सकते हो उसी तरह सेम ड्रॉइंग आप लोगों को दिख रहा होगा। तो सेम टू सेम इधर वाला ड्रॉइंग और उधर वाला ड्रॉइंग दोनों सेम दिख रहा होगा। तो अब इस कमांड लाइन कमांड से बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे, तो एस्केप बटन ESC जो कीबोर्ड का होता है उसको प्रेस करेंगे तो लाइन कमांड से बाहर निकल जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे हम लोग बाहर आ चुके हैं। तो अब आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। फिर आगे हम लोगों को बोला जा रहा है सेव द ड्रॉइंग एंड प्रॉपर फाइल नेम। इसमें बोला जा रहा है कि इसको सेव करना है इस ड्रॉइंग को और इसका एक प्रॉपर फाइल नेम देना है। सेव करने के लिए मैंने आप लोगों को शॉर्टकट की बताया था कंट्रोल S, तो आपको कीबोर्ड का कंट्रोल और S दोनों साथ प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखना अभी, तो देख सकते हो यहाँ पे फाइल नेम हमसे पूछा जा रहा है, तो फाइल नेम आप कुछ भी दे देना। पोलर का रिलेटिव है तो यहाँ पे मैं पोलर रिलेटिव लिख देता हूँ। फाइल नेम दे दिया और यहाँ पे सेव इंटर प्रेस कर देंगे तो ये मेरा फाइल सेव हो चुका है। तो कुछ इस टाइप का आप लोगों को फिगर दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके भी आप लोगों को अच्छे से दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो ये फिगर और ये फिगर सेम टू सेम लग रहा है। तो कैसा लगा आप लोगों को फिगर, तो आई होप आप लोगों को फिगर बहुत ही अच्छा लगा होगा और वीडियो देख के मजा भी आ रहा होगा। वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर शेयर करो सभी फ्रेंड्स में, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और मैं आप सभी को बता दूं, तो वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो, तो जैसा कि आप लोगों को इंट्रो में ही पता चल गया होगा कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप TDP चैनल के सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हो। तो अब तो TDP चैनल का व्हाट्सएप नंबर भी आ चुका है, तो आप उस पर भी अपना डाउट पूछ सकते हो। और सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप उस पर मुझे मैसेज करके बात कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस।